हेलो फ्रेंड्स, गांव की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ देखिए, यहाँ पर चावल ले लिए हैं। तो चावल को हम अच्छे से बिन लेंगे और साफ़ करके इन्हें थोड़ी देर के लिए फुला कर रख देंगे। तो इनमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और कुछ देर तक इन्हें फूलने देते हैं। तो जब चावल हमारे अच्छे से फूल जाएंगे तब इन्हें हम खीर बनाने के लिए रख देंगे। तो अब हमारे चावल अच्छे से फूल चुके हैं, तो इन्हें अब एक बर्तन में, एक भगोने में कर लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो हमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, तो इन्हें उबालने के लिए अब रख देंगे ताकि जो हमारे चावल है अच्छे से पक जाएं। और देखिए, हमने यहाँ पर कुछ मेवे लिए हैं और हमने यहाँ बादाम, गर्री, मुनिका, छुहारा और मखाने लिए हुए हैं। तो देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं वो पकने लगे हैं। तो चावल को हम, जब हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे तभी हम इसमें दूध वगैरह डालेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं हल्के से भी रह गए हैं पकने के लिए। तो कुछ देर तक इन्हें और पकने देते हैं, जब तक हमारे चावल अच्छे से गल नहीं जाते हैं तब तक इन्हें हम पकाएंगे। तो बंद कर देते हैं प्लेट से और इन्हें हम ऐसे ही पकने देते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं अब अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो हमने चीनी डाल दी है, तो हमने एक कटोरी चीनी डाली हुई है और अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो हम खीर में दूध भी डाल देंगे और दूध डाल देने के बाद अब जो हमारे मेवे हैं तो वो डालेंगे। तो जब हमारा हल्का सा फूलने लगेगा तभी इसमें डालेंगे। तो इसमें हमने बादाम बारीक कट कर डाल दिए हैं और बाकी के मेवे भी हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर सभी मेवे डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देने के बाद इन्हें हम खीर को पकने देते हैं ताकि जो हमारी खीर है अच्छे से और पक जाए। तो हम इसे बंद कर कर धीमी आंच में इसे ही पकने देते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारी खीर है में उबाल आने लगा है। तो खीर को हम कुछ देर तक धीमी आंच पे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी खीर है कितने अच्छे से पक चुकी है। और इस तरह बनाएंगे तो खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खीर को कुछ देर तक ऐसे ही पकाएंगे। तो देख सकते हैं खीर जो हमारी है और अच्छे से पक चुकी है। तो खीर जब हमारी अच्छे से पक जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं खीर हमारी कितने अच्छे से पकी हुई है और इतनी ही गाढ़ी हमें बनानी है, हमें ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। तो खीर जो हमारी बनकर रेडी है। तो देख सकते हैं जो हमारी खीर है अब बन चुकी है। तो इसे हम सर्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर खीर को दूसरे बर्तन में निकालेंगे। तो देखते हैं हमारा नाश्ता बनकर खीर का रेडी है। तो आप इस तरह खीर बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तरह बनाएंगे तो खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देख सकते हैं खीर जो हमारी है बन चुकी है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो खीर की रेसिपी हमारी बनकर रेडी है।
तो आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।